पेट्रोल पंप पर काम करने वाला एक मामूली इंसान दुनिया की सबसे बड़ा इंपायर बना डाला रिलायंस इंडस्ट्री। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक मामूली लड़की को चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया था और उसका एक पैर काट भी चुका था और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाली। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ उर्वशी सिन्हा की। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। बचपन में गुजारा करने के लिए एक जूस की दुकान चलाता था और वो आज सबसे बड़ा दुनिया का म्यूजिक कंपनी बना डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टी सीरीज कंपनी के ओनर गुलशन कुमार की। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। वॉइस खराब होने की वजह से रेडियो स्टेशन से बाहर निकाल दिया था और वो आज बॉलीवुड की सबसे बड़ा सुपरस्टार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बी अमिताभ बच्चन जी की। अगर ये सब लोग कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। क्रिकेटर बनने के लिए एक आदमी सरकारी नौकरी तक छोड़ दिया और पूरा दुनिया उसको क्रिकेट का भगवान मानता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एमएस धोनी की। अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। गुजरे करने के लिए एक टाइम बस कंडक्टर का काम करता था और वो आज साउथ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्टर है। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ रजनीकांत सर की। अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक आदमी को ट्रेन की डिब्बा से बाहर निकल दिया था और उन्हें बोला था तुमने मुझे ट्रेन से निकल दिया, मैं तुम्हें पूरे देश से निकल दूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जाति का जनक गांधी जी के बारे में। अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक इंसान ऑटोमोबाइल कंपनी को बेचने के लिए फोर्ड मोटर के पास गया और तभी फोर्ड मोटर के ओनर उनसे इंसल्ट करते हुए कहा, ये कंपनी खरीद कर हम तुम पे एहसान कर रहा है। और उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल करके वापस चला आया और देखते देखते ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कंपनी बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा मोटर के बारे में। और आज पूरा दुनिया में रतन टाटा जी को कौन नहीं जानता है। वो अगर ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक आदमी फेरारी कार खरीदी और क्लच ब्रेक में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने ये बात जाके कंपनी के ओनर को बताई और तभी फेरारी कंपनी के ओनर इंडियो फेरारी को कहा, तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने के लायक हो, ये फेरारी तुम्हारी बस की बात नहीं है। और ये आदमी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर लग्जरी कार बना डाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैम्बोर्गिनी के ओनर फेरुजियो लैम्बोर्गिनी की। अगर ये लोग कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक सिंपल चाय बेचने वाला आदमी इंडिया का सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। अगर ये सब लोग कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। 65 की उम्र में कुछ आदमी नसीब पर भरोसा करके बैठा रहता है अंत आने तक और ये आदमी 65 की उम्र में एक रेस्टोरेंट बना डाला और आज पूरा दुनिया में इसको कौन नहीं जानता है। एग्जैक्ट मैं बात कर रहा हूँ केएफसी के ओनर कर्नल सनल के बारे में। बॉस, अगर ये सब लोग कर सकते तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक लड़की की 18 साल की उम्र में शादी हो गई, ठीक है। इस कहानी के 2 साल बाद एक एक्सीडेंट में इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और हस्बैंड ने इसको डिवोर्स भी दे दी और ये लड़की दुनिया की सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुनीपा माजारी की। अगर ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक इंसान इंसान की सबसे बड़ा ताकत मानता है उसका दो हाथ और पैर, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी आदमी है जिसके पास ये दोनों ही नहीं है। बस मोटिवेट तो इनको करना चाहिए बल्कि ये आज पूरा दुनिया को मोटिवेट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीक बुजिक की। अगर इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद ये लोग कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक टाइम गुजरा करने के लिए फुटपाथ पर भिक्षा नहीं बेचता था, जिंदगी में अपना कोई था नहीं इसलिए मंक बन गया और 4 साल गुजारा और आज पूरा दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेनर बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंदल जी के बारे में। अगर ये सब लोग कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता। एक इनकम टैक्स ऑफिसर की बेटा 5,000 रुपये लेकर दलाल सीट पर गया, यानी शेयर बाजार में गया और कुछ साल के बाद ये आदमी दुनिया की सबसे बड़ा टॉप इन्वेस्टर में से एक बन गया। एग्जैक्ट मैं बात कर रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में और ये आदमी को इंडिया की ओवरऑल बाबी भी कहा जाता है। वो सुनने के लिए तो हजारों लोगों की बायोग्राफी मिल जाएगी और मुझे आखिरी खुशी तब होगी जब तुम इन लोगों की बायोग्राफी सुन के जिंदगी में कुछ बन जाओगे। उठो जागो तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।